श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव 2022 कोलकाता। गुरु के शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि वो मंत्र होते हैं जो अथाह शक्ति के पुंज के समान होते हैं, और ऐसे गुरु की वाणी हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को सुधार कर भव बंधनों से मुक्त होने में सहायक होती है। इस जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है? परिवार से परमात्मा तक की यात्रा। ये यात्रा कहां और कैसे जाकर पूर्ण होगी? इस यात्रा तक पहुंचने का मर्म जाने श्री गुरुदेव के अमृत विचारों से। मेरे बंधुओं, मैं भी तुम्हें मुक्त कराना चाहता हूं, मैं भी तुम्हें इस संसार के हर मोह माया से ऊपर उठाना चाहता हूं, लेकिन ईर्ष्या अहंकार क्रोध और अतृप्त होकर नहीं, कि अगर अतृप्त रहोगे तो फिर से इस संसार में तुमको आना पड़ेगा तृप्त होने के लिए। लेकिन अतृप्त आत्मा कभी शांति नहीं पाती है। अगर महावीर अतृप्त होते तो मुक्त न होते, बुद्ध अतृप्त होते तो मुक्त न होते, अगर ऋषभ देव अतृप्त होते तो फिर से आना पड़ता अरिहंत न होते। मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें इस संसार से अतृप्त कराकर नहीं भेजना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि संसार के सारे चीजों को जियो, जानो, ऊपर उठो, किसी चीज से चिपको नहीं। मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें इस परिवार को पूरी तरह से इस संसार के हर कर्मों को पूरा कर कर ऐसा उठाना चाहता हूं तुम्हें कि इस परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल हो। तुमको इस जीवन में जगाना चाहता हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं। मैं किसी भी पंथ का, किसी भी चीज का विरोधी नहीं हूं और मैं पक्षधर भी नहीं हूं। हां, मैं हृदय से पंथ नहीं पथ का पक्षधर हूं, पंख का पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पंख मिले, पथ मिले, कि इस अध्यात्म और धर्म रूपी खुले आकाश में पूरी तरह से विचरण करें और स्वयं मुक्त हो। जीवन को नई दिशा देने वाले अपने आशीर्वचनों से श्री गुरुदेव ने हमेशा ही हम सब के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आइए अब एक ऐसे सदगुरु के तेजोमय दर्शन का लाभ लें और एक अद्भुत दैवीय ज्योति का अपने भीतर समावेश करें। दिव्य सानिध्य श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव, आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं